इन साले अंग्रेजों ने भी अपनी मूवी में परिवार का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म करके रख दिया, क्योंकि हम लोग आज की मूवी में देखने वाले हैं कि एक लड़की अपने स्टेप डैड के साथ ही गपागप कर बैठी। अब उसके ये करने के पीछे का रीजन क्या था, यही हम आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, एंड आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आओ यार और किसी फालतू बकचोदी के अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोगों को पहाड़ी इलाके दिखाए जाते हैं जहाँ पर बेहिसाब ठंड थी। यहाँ पर मेन सीन को देख के ही पता पड़ता है कि यहाँ पे कौन ही आदमी आता होगा इन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बेहिसाब ठंड होती है। यहाँ पर मुश्किल से एक दो गाड़ी आती थी, वो भी टूरिस्ट की, और वो भी आगे चली जाती थी। यहीं पर हम लोग एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जब भी वहां से कोई गाड़ी गुजरती थी तो वहां के सारे बर्तन सारी चीजें हिलने लगती। हम लोग अब यहाँ पे शैल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो अपने फादर पीट के साथ रहती थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का कोई भी नहीं था और ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अब एक दिन हम लोग पीट को देखते हैं जो कि अपनी कार को साफ कर रहा होता है, तभी यहाँ पे उसे मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शैल उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है जिससे कि वो अपने जीभ को ना काट दे। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की भूखमरी की नौबत आ गई थी क्योंकि इनके जो गैस स्टेशन था उस पे मुश्किल से एक गाड़ी आती थी और कभी कभार तो एक गाड़ी आने में भी हफ्ते लग जाते थे। हम लोग देखते हैं कि एक दिन पीटर अपनी कार को फिर से क्लीन कर रहा होता है पर तभी यहाँ पे शैल आ जाती है और वो पीट से कहती है कि डैड यहाँ पे आपका खाना लग गया और आप खाना खा लीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही पीट अपने हाथों को साफ कर रहा होता है तभी उसे फिर से दौरे आ जाते हैं जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि ये भाई बुरी तरह से मिर्गी का मरीज था। ये लोग अपने डिनर कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे इनके एक रेगुलर कस्टमर एडम की गाड़ी आके रुकती है और वो यहाँ पे अपनी गाड़ी में गैस फिल करवाता है। हम लोग देखते हैं कि जो एडम था वो यहाँ पे शैल को पसंद करता था और शैल भी उसे पसंद करती थी। पर दोस्तों लेकिन यहाँ पे जो शैल थी वो कभी भी उससे अपने दिल की बातों को कह नहीं सकती थी। वो अपने मन में ही उसके साथ घपाघप के सीन्स को इमेजिनेट करती थी और फिर उसके जाने के बाद बाथरूम में वही काम किया करती थी जो अखंड सिंगल लोग किया करते हैं। तो अब जब पीट चला जाता है तो वो भी अपनी बिल्ली के साथ बाथरूम में जाके खेलने लगती है और उसे इमेजिन करने लगती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शैल यहाँ पे एडम के ख्यालों में खोई हुई है और जन पता नहीं क्या क्या इमेजिनेट कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग पीट को देखते हैं जो कि रो रहा था ये सोच के कि वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा है और वो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो एक मैं प्रोटिप आप लोगों को दूंगा कि अगर आप लोगों को भी पीट जैसी जिंदगी नहीं जीनी है तो पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, लेकिन नहीं तुमको तो मेरी वीडियो देखनी है। खैर ये तो था मजाक, मैं तो कहता हूँ कि मेरी वीडियो को इतना देखो और इतना ज्यादा देखो कि जब तक तुम्हारे मुंह से ये ना निकल जाए कि बस करो भाई निकलवाओ क्या। हम लोग अब शैल को देखते हैं जो कि बाहर बैठी हुई थी। अब उसे किसी ना किसी का तो केला चाहिए था और वो उसी चीज को अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी। तभी हम लोग पीट को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है और वो शैल से टावल मंगाता है। अब शैल जब टावल लेकर आते हैं तो पीट को नहाता हुआ देख के उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो पीट के साथ ही घपाघप करने की कोशिश करने लगती है। अब उस टाइम तो पीट उसे रूम से बाहर निकाल देता है पर तब हम लोग देखते हैं जब ये दोनों बाहर आते हैं तो ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं क्योंकि इन दोनों ने 5-10 सालों से ये सब नहीं किया था। अब ये लोग वहाँ पे जब ये सब कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि इनका जो हीटर था वो खराब हो जाता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को ठंड लगने लगती है। अब तुमको तो पता है कि जब भाई ठंड लगने लगती है तो सबसे बड़ा इलाज क्या होता है ठंड को भगाने का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से एक और बार कमर में घुस के गपागप करने लगते हैं जिससे कि इन लोगों को फिर से गर्मी आ जाए। लेकिन यहाँ पे पीट आधे रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि ये सब उसे बहुत ज्यादा गलत लग रहा था। भाई तू तो बहुत बढ़िया आदमी निकला पीट, करेले को खाने के बाद कहता है कि ये करेला कड़वा है। अरे चचा तुम तो बड़े गजब टोपीबाज आदमी निकले। चुम्मा चाटी करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह पीट की आंखें खुलती है और उसका जो छोटा केला था वो बड़ा हो चुका था। अब यहाँ पे उसे फिर से मन हो रहा था कि वो शैल के साथ फिर से वही सब करे जो उन्होंने कल रात को किया, पर वो शैल के साथ फिर से वो सब नहीं करता और वहां से चला जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और आदमी आता है इनके गैस स्टेशन पे और वो शैल के लिए एक तोहफा लेकर आता है जिसके बदले में शैल उसे गले लगा लेती है और शैल जैसे ही मुड़ती है वो आदमी अपनी फीलिंग को जताने के लिए शैल को भी गले लगा लेता है, उसके साथ गलत हरकत करता है। ये सब शैल को पसंद नहीं आता तो वो उसे वहां से भगा देती है। हम लोग अब पीट को हीटर ठीक करते हुए देखते हैं। शैल उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी इसे ठीक क्यों कर रही हो, तो यहाँ पे पीट उससे कहता है कि मैं फिर से तुम्हें गर्म करने के लिए तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। हम लोग अब उसी लड़के को देखते हैं कि जिसके बारे में इमेजिन करके शैल बाथरूम में अपनी बिल्ली के साथ खेला करते थे। हम लोग देखते हैं कि एडम उनके घर पे आता है और बताता है कि उसने 100 मील में तोड़फोड़ कर दिया है और उसको वहां से निकाल दिया गया है और वो चाहता है कि वो उनके गैस स्टेशन पे काम करे। पर हम लोग देखते हैं कि जो पीट होता है वो यहाँ पे नहीं चाहता था कि एडम यहाँ पे काम करे क्योंकि उसके घर में एक जवान बेटी भी थी, पर उसे क्या पता था कि शैल तो एडम का केला चाहती है। अब अगले दिन एडम के जाने का समय हो गया था। अब उसे छोड़ने के लिए शैल बाहर जाती है तो वो शैल को अपनी गाड़ी में लेके चला जाता है जहाँ पर वो एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और गाड़ी में ही घपाघप करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एडम शैल को घर छोड़ के चला जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि शैल के गैस स्टेशन पे एक औरत आती है अपनी बेटी को लेकर। वो लोग यहाँ पे उनकी दुकान पे भी कुछ आइटम्स खरीदते हैं पर तभी हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं
तो उसकी जो डॉटर होती है उसकी एक डॉल उनकी दुकान पे छूट जाती है, जिसे देने के लिए शैल उसके पीछे भागती है और हम देखते हैं कि वो गाड़ी पीछे आने लगती है। शैल यहाँ पे उस गाड़ी में जो लड़की बैठी थी उसे उसकी डॉल को पकड़ा देती है। अब जब शैल घर पे आती है तो वो देखती है कि जो पीट है उसे फिर से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अब शैल उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो बचाने की कोशिश करते करते पीट के मुंह में शैल का हाथ लग जाता है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाती है क्योंकि पीट ने उसका हाथ काट लिया था मिर्गी के दौरे के टाइम पे। हम लोग अब देखते हैं ये दोनों रात को एक ही साथ सो रहे होते हैं और ये दोनों के मन में ही था कि ये दोनों फिर से गप्पा गप करें, पर यहाँ पे जो पीट था वो नहीं चाहता था, पर यहाँ पे जो शैल थी उसके मन में बहुत ज्यादा भड़क उठ रही थी और वो पीट के साथ गप्पा गप करती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पीट अपने आप पे बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगता है कि उसने ये सब क्या किया, उसने अपनी बेटी के साथ ये सब कर लिया। अब गपा गप करने के बाद शैल तो सो जाती है लेकिन पीट को नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ पे रात को उठता है और सोचता है कि वो अपनी जान दे देगा, तो वो बाहर रोड पे चला जाता है और एक ट्रक आता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। बेसिकली उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। हम लोग अब शैल को देखते हैं जो कि अपने स्टेप डैड को ढूंढने के लिए बाहर जाती है क्योंकि वो उसे घर में नहीं मिल रहे थे। अब जैसे वो बाहर जाती है तो देखती है कि पीट ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया, उसकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है। अब वहाँ पे कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि पुलिस भी आ जाती है और साथ साथ एडम भी आ जाता है। एडम शैल को कमरे में ले जाता है ताकि वो उसे चुप करवा सके। अब दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं और हम लोग शैल को देखते हैं जो कि बाहर स्टेशन पे एक ट्रक में गैस फिल कर रही होती है, और हम एडम को देखते हैं जो कि घर में बैठ के चाय पी रहा होता है। हम लोग शैल को देखते हैं जो कि उसी ट्रक में बैठ के कहीं पर निकल जाती है, जहाँ पे हमें ये पता पड़ता है कि वो अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट करना चाहती थी, और यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ ये कमेंट भी करना कि अगर आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर अच्छी लगी तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बुरी लगी तो मैं अपनी वीडियोस पे आगे और अच्छा काम करूंगा एंड आपको और अच्छी वीडियोस ला के दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।